तफसील अंबर ने माफी वगैरह मांग ली है, अब क्या है क्या नहीं है ये कभी नहीं पूछू, क्योंकि कपिल अंबर मेरा दोस्त है और उनके अंदर बोल रहा हूँ, उनसे लगातार मेरे रास्ते हैं। मैं भी चाहूंगा कि वो डेली यहाँ पे आए, लेकिन अब मैं चाहूंगा कि वो यहाँ ना आए, क्योंकि हालात ऐसे नहीं है। डॉक्टर मुसव्विर साहब, आप एक तरफा फैसला सुना रहे हैं, बायकॉट होगा तो दोनों का बायकॉट होगा, गलत बात है। नहीं, सबको इस बरकाती को मना रोका जाए, इनको फिर ना किया जाए, ये बात। बायकॉट का सारा पावर मौलाना शहरयार साहब को देता हूँ, वो अगर बायकॉट का ऐलान कर देंगे हम उन लोगों के साथ हैं, उनके साथ हैं। अब अगर वो ऐलान नहीं करेंगे, जैसे आज मजलिस में नहीं आए, आप ही मुझसे टक्कर लाना है, हम लोगों का सबूत बनिए, हम लोगों का वक्त नहीं दे सकते हैं, ये वक्फ है, आप लोग बात करते हैं, हम लोग का वक्फ है, मौलाना साहब जहां बायकॉट करेंगे तो ठीक, नहीं करेंगे तो हम लोग नहीं करेंगे। सही बात है, डॉक्टर शहरयार साहब से जब ये हुआ उनको इस मजलिस में आना चाहिए। अरे जिंदगी भर कमाना है, जिंदगी भर कमाना है, आपकी खातिर इतने लोगों को इकट्ठा किया गया, आपको हर हाल में आना चाहिए था, चाहे कितनी ही मजबूरी क्यों हो आपके साथ। गुजारिश कर रहा हूँ, जलसे का जो माहौल खराब है उसको एक बैच सुधारना बहुत मुश्किल, एक तरीका है हम लोग सुधार सकते हैं, अगर आलिम चाहे तब, और अगर आलिम नहीं चाहेंगे तो कभी नहीं सुनेंगे। आवाम कुछ नहीं है, ये आवाम आज भी हमारे उलमा के तलवे चाटने पर मजबूर हो जाएंगे अगर हम लोग सही हो जाए, हम लोगों के दिल में सही जज्बा इस्लाम का हो जाए तो ये आवाम कुछ नहीं, खुदा की कसम ये तंग आज भी चाहते। इसलिए आपको जरूरत है, हमको जरूरत है, हम अपने आप को सुधारें, है ना। आप जलसे को इस मत अभी सुधारने का बेहतरीन तरीका यह है, आप अभी फौरन आवाम को समझाने ये बहुत मुश्किल, इसलिए आप ये करें, जलसा में ओलमा की तकरीर 12:30 बजे तक खत्म हो जाए, कोई भी शायर कोई भी नकीब की जरूरत नहीं, आप जो नकीब बुलाए हैं, आवाम ने जो बुलाई है वो 12 बजे के बाद 16 और जितने भी नकोबा जो भी है जो है करते रहे, अभी जो भी उनको करना है करें, लेकिन 12 बजे तक 12:30 बजे तक सिर्फ ओलमा की गुफ्तगू हो, ये हर कोई समझ लें, तब उम्मीद हो सकता है कि हम समझ सकते हैं कि कंट्रोल कर सकते, अगर आप चाहेंगे तब, नहीं तो हमने देखा है जलसे में कोई शायद पढ़ रहा है वो 1.5 घंटा पढ़ चुका, ये आदिम लोग जो स्टेज पे बैठे हैं इतनी बड़ी बड़ी टोपी लेकर, अब कैसे समझ, 1.5 घंटा के बाद ये आदिम कहता है कि आओ पर ये कहा कि अकलमंदी है, आप कैसे को खराब कर रहे हैं, आप अपने किरदार को सही कीजिए, आज के बाद से कोई नहीं कहेगा क्या पढ़िए और पढ़िए। इसलिए मैं कहूंगा 12 बजे तक उलमा की तकरीर हो, इस पर आप लोग पहले हाँ कहिए कि हाँ हम लोग हर इलाके में इस पर अमल करेंगे, आप याद रखिएगा खराबी को दूर करने के लिए यही है। अच्छा एक बात और, अभी ये हुआ कि जो लोग नमाज नहीं पढ़ते उसको मत बोला, ये कैसे पता चलेगा कि वो नमाज पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते, हाल ही में हम लोग समझ रहे हैं सब पढ़ते हैं, आलिम है आप कैसे कहिए नहीं पढ़ते, वो है ऐसे कैसे हो जाते ना जब पूजा करने लगे, हम ये कैसे जाने, इसलिए बहुत ये सब मुश्किल बन रहा है, ये बहुत मुश्किल, ये सब नहीं कर सकते, लेकिन तरीका क्या है, आप अपने इलाके में कम से कम उस नदी को उस शायर को नमाज पढ़ने पर मजबूर कीजिए, कम से कम इतना की नमाज पढ़ने पर मजबूर कीजिए कि पहले ऐसा की नमाज पढ़िए तब जाइएगा स्टेज पर, सबको सबको। इसलिए आप हजरात इस पे आप लोग हैं सहमत कि हम लोग जो भी दर्शकों जलसा में जाएंगे उन लोगों को सबको ईशा की नमाज पढ़वाएंगे, हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह, हम लोग भी सब मिलकर पढ़ें। अच्छा तीसरी बात, अभी ये कहा गया कि जो लोग मांग करते हैं
बात उसको न बुलाया जानवर दीदी तुम चलो नहीं बड़ी अच्छी बात है बड़ी अच्छी बात है और जो हमारे ओलमा करते हैं उनका क्या और छोए से अभी मैं कोई मांग नहीं करता हूँ जाता हूँ अपनी गाड़ी से ऐसी जगह कि अपने किराए से वापस आए उसका क्या हो और अक्सर मेगा 2000 दे के 3000 गाड़ी करके जाता हूँ 2000 दिया क्या होगा वो क्या करेंगे वो क्या करेंगे उसके बारे में आपने क्या सोचा आप अपने इलाके में उलमा के मशवरा देते हैं कि वो हमारे इलाके के हैं उसको जो है ना 2000 से दीजिए बस हो तो कहता ये आलिम कहता है आलिम कहता है आलिम कहते हैं आलिम लोगों को तबाह बर्बाद किए हुए हैं आप नहीं कह सकते ये हमारे इलाके का है यही जन्म से मिटाते हैं यही विवाद रहते हैं यही मसाई बयान करते हैं यही हमारी रहनमाई करते हैं इनको नीचे इतनी सजा नहीं कर सकते हो आप आलिम है आप आलिम है आपके तो भी इसलिए अगर इलाके को सुधारना चाहते हैं हम लोगों को सुधारना हम लोगों को सुधारना जिनको बुलाना और अगर ये कहिएगा कि जो पैसा मांगते हैं उनको न बुलाया जाए 90% छट जाए कोई भी नहीं बचेगा बड़का बड़का मुखाली खता जी हाँ जो जो मांगते हैं हमसे 50,000 जो मांगते हैं हमसे 40,000 30,000 तो उसको रिकॉर्डिंग कर लीजिए और उलमाए कराम से मैं दरख्वास्त करूंगा जो मांगते हैं 30,000, 20,000, 50,000 उसको रिकॉर्डिंग कर लीजिए और सबको फेसबुक पर छोड़ दीजिए सबको फेसबुक पर छोड़ दीजिए कोई भी उसके खिलाफ नहीं बोले इंशाल्लाह तबारक ताला बहुत जल्दी फिर हम लोग उसी मंजर को देखेंगे अपने जलसे में जो हमारे अकाबरीन के जलसों में होता है इंशाल्लाह तबारक ताला एक बात और याद रखिएगा एक बात और भी मैं आपसे हाँ जलसा में अकाइद की गुफ्तगू होनी चाहिए कसम खुदा की 25-30 बार बता पिछला लेकिन क्या हुआ क्या हुआ हमारे अवाम हमारी अवाम सूरज मुंडी होती चली जा रही है हमारी आवाम हमारे हाथ से निकली चली जा रही है वो आया हुआ उसके खराब मत बनिएगा हम जलसा करते हैं आपने आवाम की इस्लाह के लिए दूसरे फिरके के लोगों की जरूरत नहीं है हमारे जलसे कोई भी आए कोई भी जाए जलसा खत्म हो जाए उसकी फिक्र नहीं होनी चाहिए हर जलसे में अकीदा बयान एक आलिम को ऐसे मदूम कीजिए जो अकीदा बयान देवबंदियों का अकीदा क्या है खुल करके अहले हदीस का मतलब अकीदा क्या है खुल करके वो बयान करें आप इसकी तारीफ करते हैं आप हजरात इसकी तारीफ करते हैं आप अपने जलसों में अकाइद की बात करवाएंगे सिर्फ इस्लाह पर नहीं बल्कि अकाइद की इस्लाह पर गुफ्तगू करेंगे करेंगे ऐसा इंशाल्लाह तबारक ताला आओ एक बात याद रखिए आज जो चाहिए था कि जो नाक पढ़ने का तरीका है आपसे वो एक बैग खत्म हो जाए बड़ा मुझे आप बैग बैठ करके क्या बैग करते हैं बैग बैठ करके क्या फायदा हाँ हाँ और एक बात ये जलसे में जैसे ही नाक खा आए जिनकी सदारत में हो रही है हजरत सुनिएगा जिनकी सदारत में हो रही है वो सबसे पहले ऐलान करें कि इफ्को वगैरह नहीं चलेगा जो आवाज रहे आप पढ़िए ताकि लोग सुने लोग पढ़ते हैं शायद लोग इफ्को इतना कर देते हैं कोई सुन भी नहीं सकता समझ ही नहीं सकता इसीलिए वहां जो बैठे हुए हैं उन पर लाजिम है कि वो सदारत करें बैठे
तो सबसे पहले इको को बंद कर दें। आप जो कहे इको चलो इच्छु कहे उसको सारे को बैठा दें, कहे जेगर इको के पास जाकर पढ़िए नहीं तो बैठे आपको आपको जो नजराना आपको मिल जाएगा। अगर दो चार जलसे में हम लोगों ने ऐसा कर लिया इंशाल्लाह ताला माहौल सही हो जाएगा, बाईपास की जरूरत नहीं। आओ नकोबा हजरा नकोबा हजरा नाजिम नाजिम इजलास नकली इजलास बाप रे बाप अलकाब खुदा की पना। और उन लोगों को चाहिए कि गैरों के भी कभी कभी यूट्यूब में देखिए कि वो लोग नकाबत कैसे करते हैं, वो लोग नकाबत कैसे करते हैं। वो आएंगे अभी आपने फजलुद्दीन भला से आपने ये सुना, अब इसके बाद फजलुद्दीन भला तशरीफ ला रहे हैं। बस बस हो गया तकरीर करने के लिए मजबूर किया गया वो कभी वो आपको नहीं। आओ जितने भी शाही लोग हैं उनको भी मना किया जाए कि आपको जलसे में तकरीर करने की जरूरत नहीं है, आप नाक पढ़िए बस। और ऐसे ही मुकर्रीन को कहा जाए कि नाक पढ़ने वाले को मैंने मदू कर लिया है, आप हजरत तकरीर कीजिए नाक नहीं। एक साल अगर आपने अमल कर लिया ये सारे निकल जाए, सात खुद ब खुद निकल जाए पूरे हिंदुस्तान में। अगर इस तरीके से आपने किया तो इंशाअल्लाह सब निकल जाए, किसी पर पाबंदी की जरूरत नहीं। बेदा अलकाबात पे इस्तेमाल न करें। मैं नकोबा हजरा से अर्ज करूंगा कि आप इस पैगाम को पहुंचाएं, बेदा अलकाबात पे इस्तेमाल न करें। ये हालत हुई है कि वो उलमा की नहीं सुनते हैं, शोरा की सुनकर के चले जाते हैं। अगर आपने 12 बजे तक उलमा को पाबंद कर दिया वही बोलेंगे, शोरा बाद में बोलेंगे, खुद ब खुद माहौल सही होगा। इस बात को आप हजरात हर जगह नाफिज कीजिए। 7 दिसंबर को हमारे यहाँ अरबी कॉलेज में है इंशाअल्लाह ताला, वहां से मैं खुद इस पर अमल करूंगा। 12 बजे से पहले पहले हमारे यहां जलसा हो जाए, किसका मोदर के मुकर्रिन का, और उसके बाद शोरा जो है जो भी होंगे वो कहते रहेंगे, लेकिन इंशाल्लाह अदब के दायरे। अगर अदब के खिलाफ करेगा हम लोग भी वहां से निकल रहा करेंगे इंशाल्लाह तबारक ताला। तो और आप जलसा कीजिए तो ये सोच कर कीजिए कि हम इस जलसे से हमारे गांव में जो मदरसा है वहां बचा करके उस जलसे में 2-3 लाख बचा कर वहां 2 मदरिस को बहाल करेंगे जिसको 15,000 रुपया महीना देंगे, और काफी मदरिस को बहाल करके उस पर ही इस पैसे को खर्च करेंगे। जलसा जहां भी हो, और उलमा से भी मैं कहूंगा अगर कहीं जलसे में जलसा में आप जो कुछ करते हैं अगर कहीं वहां मदरसा नहीं है तो वहां आप लाइब्रेरी काम कीजिए, लाइब्रेरी काम कीजिए, उन पैसे से लेके अहले सुन्नत व जमात की किताबें उसमें डालिए और उनके बाद उनको मुताला के लिए मजबूर कीजिए। बहरहाल ये सब चीजें बात की हैं, लेकिन पहले जलसे का सुधार जिस तरीके से अभी जो तजवीज पेश की गई इस पर अगर कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह ताला हम लोग कामयाब हो जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हमारे यहाँ पोस्टर में नाम किसी का नहीं होता, हमारे यहाँ किसी का भी नाम पोस्टर में नहीं होता। अब यह है कि कफील अंबर ने माफी वगैरह मांग ली है, अब क्या है क्या नहीं है एक बात याद रखिएगा, किसी पर पाबंदी लगा के आप ये सोचिएगा कि हम उसको मजबूर कर देंगे, ऐसा नहीं होता। उन्होंने जो माफी मांग ली है ना, और वो इसमें व्हाट्सएप वगैरह पे घूम रहा नहीं, वो तो खुद कह रहा है इसने, वो उसकी आवाज है उसकी शक्ल है वो बोल रहा है ना, वो बोल रहा है। एक मिनट और, आज हम लोग यहाँ जो बैठे हुए हैं इदारा है एक मिनट बैठिए
बैठिए बैठिए बैठिए बैठ जाइए बैठ जाइए। मैं एक मिनट मैं ये अर्ज करूंगा कि वो है? हाँ, तब तो फिर शोरा जितने भी है ना, और जितने भी मुकर्रमीन की दाढ़ी कटी हुई इतनी इतनी रहती है, सब पे पाबंदी लगी, सब पे पाबंदी लगी ना। हाँ, और जितने भी शोरा जिसके भी नौकाबा जिनकी दाढ़ी कटी हुई है, उसको भी उस पर भी पाबंदी लगी है, पाबंदी लगी हुई, लेकिन अमल नहीं हो रहा, अमल नहीं हो रहा, ये भी अमल के चलिए चलिए रखिए, आप लोग तशरीफ रखें। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि यहाँ का पैगाम हर जगह जा रहा है, सुन लीजिए। ओलमा का रास्ता, बड़े बड़े ओलमा ने रात में गुफ्तगु हमसे की है, उन लोगों ने कहा कि इस वज्म को सिर्फ एक इलाके के लिए महदूद नहीं, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लिए किया जाए। आपका पैगाम पूरे हिंदुस्तान में पहुंचे, और उनके बाद फिर ये खबरदार बड़े बड़े उलमा ने हमसे रब्ता किया कि ये अभी अगर किसी का नाम लेकर पाबंदी करेंगे तो ये भी अच्छी बात होती, और इस तरीके से बहुत ही गलत होगा। इसीलिए नाम लेकर भी किसी की पाबंदी नहीं, जो भी सोना मुसलमान से झमाझम से पढ़ेंगे उसकी, उसको हम लोग नहीं बुलाएंगे, बैकअप नहीं बुलाएंगे नहीं, ये होना चाहिए कि उसको हम लोग बुलाए नहीं। और जो नकीब जिस तरीके से अगर उस तरीके के खिलाफ करेगा, उसको हम बुलाएंगे नहीं, हम बैकअप नहीं करेंगे, हम बैकअप नहीं कर रहे हैं, हम बुलाएंगे नहीं। इसीलिए बुलाइए नहीं, अगर हम लोग हो जाए इस पर पाबंद तो फिर कौन क्या करे, कौन क्या करे। इसीलिए आप, हाँ एक साथ होना चाहिए, एक मिनट एक मिनट हम से अभी यही मकसद हल है, मकसद हल है, मकसद है। देखिए सारी सुनिए, मुफ्ती साहब कबीला ताजिया सीमांचल है और एक बहुत जिम्मेदार आदमी है, जिस काम को जिस तरीके से करना होगा ये आप भरे मजमे में इस तरह से ना पूछें। इनके साथ ही बहुत सारे मामलात हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। बायकॉट के लेटर्स आपने जहां के पढ़े हैं वो वहां के थे, लेकिन चूंकि ये मामला सीमांचल का है, सीमांचल इस वक्त बहुत ज्यादा इस मामले में सेंसिटिव हो चुका है, यहाँ के लोग बहुत सेंसिटिव है। मुफ्ती साहब खुद ही जो फैसला फरमाएंगे, ये फैसला न सिर्फ जलसे के हक में बल्कि कफील अंबर साहब के हक में भी बेहतर रहेगा। मैं नहीं कहता कि नहीं, क्योंकि कफील अंबर मेरा दोस्त है और उनके अंदर बोल रहा हूं, उनसे लगातार मेरे रबते हैं, मैं भी चाहूंगा कि वो डेली यहां पे आए, लेकिन अब मैं चाहूंगा कि वो यहां ना आए क्योंकि हालात ऐसे नहीं है। वो कल मुझे फोन किया, हुजूर मैं अल्लामा शहरयार साहब के कदमों में जाकर लिपट जाता हूं, तब तो माफ करेंगे। मैंने कहा कदमों पे निपटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हालात अच्छे नहीं है, आपको अभी यहां नहीं आना है। गलत कहा मैंने? देखिए माई कार्ड करना है, वो मसले का हल जिस तो निकालना चाहेंगे ताजिया सीमांचल को अख्तियार है, ये आपका निकालेंगे, इनका अपना जलसा है। दूसरी अच्छा सर, ये देखो हमारे इलाके में बहुत से जलसों में अभी हाल फिलहाल हां नहीं बोल, शब्बीर बरकाती के ताल्लुक से तो जो बात आप लोग फैसला करना चाहें वो कर ले, काजी साहब बैठे हैं, माइक बंद करें, कहीं करें बंद की रहिए। हाँ हेलो डॉक्टर मुसफ्फिर साहब, आप एक तरफा फैसला सुना रहे हैं, बायकॉट होगा तो दोनों का बायकॉट होगा, गलत बात है।
नहीं सबको इस बरकाती को मना रोका जाए इनको फिर ना किया जाए, ये बात गलत है। नहीं आप अभी आप बोल रहे हैं कि उनका बायकॉट कीजिए, भाई आपके दोस्त है अपनी जगह है, नहीं गलत बात, दोनों के मुखालिफ है। हम ये सारा पावर बायकॉट का सारा पावर मौलाना शहरयार साहब को देता हूं, वो अगर बायकॉट का ऐलान कर देंगे हम उन लोगों के साथ उनके साथ हैं, और अगर वो ऐलान नहीं करेंगे जैसे आज मजलिस में नहीं आए, आप ही को उसे टक्कर लाना है, हम लोगों का जरूरत नहीं है, हम लोगों का वादा नहीं दे सकते हैं, ये वक्फ है आप लोग बात करते हैं, हम लोग का वक्फ है, मौलाना साहब जहां बायकॉट करेंगे तो ठीक, नहीं करेंगे तो हम लोग नहीं करेंगे। सही बात है, डॉक्टर शहरयार साहब से जब ये हुआ उनको इस मजलिस में आना चाहिए, अरे जिंदगी भर कमाना है, जिंदगी भर कमाना है, आपके खातिर इतने लोगों को इकट्ठा किया गया, आपको हर हाल में आना चाहिए था, चाहे कितनी ही मजबूरी हो आपके साथ।